हे गाइड्स, अभी मैं हूँ कल्याण सिंह के देवगिरी पर और हम जाएंगे देवगिरी पहाड़ के ऊपर। यह है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हम शुरू करेंगे पहाड़ को चढ़ना। रायगढ़ से 40 किलोमीटर दूर कल्याण सिंहपुर केसिंगपुर के नज़दीक है। ये केसिंगपुर से 2 से 2.5 किलोमीटर पर यह है। तो चलिए देखते हैं। ये है फ्रेंड्स देवगिरी हिल का फुट हिल। नीचे यहाँ पर एक आश्रम बन रही है। यहाँ पर आश्रम का एक गौशाला और बगल में एक सुंदर सा झील है जो काफ़ी सुंदर और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। यहाँ से फ्रेंड्स देवगिरी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाया गया है और सीढ़ियों के स्टार्टिंग पॉइंट पर ऐसे कुछ बन रही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि हर शैवपीठ पर गुसप महाराज को देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पर गुसप महाराज विराजमान है। हम करीब दिन का 10:30 से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किए और हमको करीब 30 से 45 मिनट लगा ऊपर पहुँचने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे सीढ़ियाँ, एक बच्चा भी बड़ी आसानी से ऊपर तक पहुँच जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा 4 साल का बेटी भी खुद ब खुद चढ़ रही है। सीढ़ियों के बीच में बाएं तरफ एक छोटा सा मंदिर और बीच में सीढ़ियों से सामने की नेचुरल ब्यूटी को देखकर आपका थकान मिट जाएगा, पता नहीं चलेगा आपका थकान। ऐसा है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो आप सामने देख रही है। पूरा ब्यूटीफुल जगह फ्रेंड्स। आप कभी भी अगर कल्याण सिंहपुर या रायगढ़ आते हो तो यहाँ पर जरूर आना। ठीक से मुझे पता नहीं लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम नीचे आएंगे तो ये सीढ़ी को गिनती करके आएंगे। और अभी हम थोड़ा छोड़ दिया तो बीच में से गिनती नहीं की, जब हम नीचे आएंगे तो गिनती करके आएंगे सीढ़ी और बताएंगे कितना स्टेप है ऊपर जाने के लिए। हे फ्रेंड्स, फाइनली हम ऊपर तक पहुंच गए हैं। पूरे सीढ़ी को क्रॉस करके, पूरे स्टेप को हम क्रॉस करके ऊपर पहुंच गए हैं। अभी प्लान है और हमारा बेटी आगे आगे दौड़ रहा है। देखिए आपको, मैं भी थक चुका हूँ, हमारा मैडम भी थक चुकी है लेकिन बेटी आगे आगे दौड़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए आराम से मामा, आराम से। ये देखिए कैसे दौड़ रहा है पहाड़ के ऊपर भी। यू कैन नॉट बिलीव, वो खुद चल के आया। थोड़ा 50 या 60 स्टेप हम उसको कंधे में लाया, बाकी सब वो खुद चल के आया है। थका थका लग रहा है बेटा? नहीं, ऊपर का नज़ारा और कुछ अलग है फ्रेंड्स। देखिए पूरा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और खेती ही खेती, जैसे आप देख रहे हैं बादल से घिरा हुआ आसमान और छोटे बड़े पहाड़। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से चारों तरफ की सीनारिज की ब्यूटी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं देवगिरी हिल्स के ऊपर एक आयतकार क्षेत्र जैसे समतल है और जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ छोटे छोटे झील है और ये यहाँ की विशेषताएं हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे झील आपको देखने के लिए मिलेगा और उसमें से 5 बड़े झील जो गंगा, जमुना, सरस्वती, भार्गवी और इंद्रदिनुआ के नाम से परिचित है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पता नहीं फ्रेंड्स ये झील कब से कैसे यहाँ पर बना है, लेकिन झील को देखने से पता चलता है कि ये झील मानवीकृत नहीं है। ये स्वतः यहाँ पर कई सालों से बना हुआ है जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है और ये यहाँ का मुख्य आकर्षण है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने की सबसे अच्छा टाइम सितंबर से फरवरी, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा धूप में यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप सितंबर से फरवरी के भी जाते हो तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं हरे भरे खेतियाली खूब आकर्षित करता है, जो कि समर सीजन पर ये देखने के लिए नहीं मिलता है, और समर सीजन पर चारों तरफ धूप ही धूप। तो फ्रेंड्स मेरे सुझाव है कि अगर आप यहाँ पर सितंबर से फरवरी के बीच फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आते हो तो खूब एंजॉय कर सकते हो और यहाँ पर एक एडवेंचर के साथ एक भक्तिपूर्ण स्थल का मज़ा ले सकते हो। आगे जाने से फ्रेंड्स और एक बड़ा सा पहाड़ है और दोनों पहाड़ के बीच में एक गुफा है जहाँ पर बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। तो चलिए देखते हैं गुफा की ओर और दर्शन करते हैं बाबा भोलेनाथ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप आने से देख सकते हो चारों तरफ लाइम पाउडर से मार्किंग किया गया है, क्योंकि पहाड़ की चारों तरफ ढलवान है और कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए चारों तरफ रास्ताओं को व्हाइट से मार्किंग किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइम पाउडर से मार्किंग किया गया है। इसी बीच फ्रेंड्स एक मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा, सिद्धिविनायक मंदिर। यहाँ पर हम दर्शन किए और आगे बढ़े। आगे जाने के बाद फ्रेंड्स आगे बड़े पहाड़ को जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं और दोनों पहाड़ के बीच लेफ्ट साइड नीचे एक गुफा है जहाँ पर बाबा भोलेनाथ की स्थान है। ये है फ्रेंड्स शिव बाबा के मंदिर, बाबा भोलेनाथ के मंदिर। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं गुफा, गुफा के अंदर है बाबा भोलेनाथ। ये जो फ्रेंड्स सामने आप देख रहे हैं बड़े पहाड़, यहाँ पर भी काफ़ी सारे झील है। हमको तो टाइम नहीं है ऊपर जाने के लिए, लेकिन लोगों के साथ बातचीत करने पर पता चला कि ऊपर जो झील है, झील के नज़दीक धोबी घाट है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखा गया है कपड़ा साफ़ करने के लिए, और वहाँ पर कुछ प्राचीन भाषा के शिलालेखा भी हैं जो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स एक छोटा सा गुफा जहाँ पर भगवान शिव जी का स्थान है। अगर फ्रेंड्स आप अंदर जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप खड़े होकर अंदर जा नहीं पाओगे, आपको घुटने के बल पर अंदर जाना होगा और भगवान भोलेनाथ को दर्शन करना होगा, क्योंकि ये गुफा इतना छोटा सा है, ज़्यादा हाइट नहीं है, इसीलिए आपको घुटने के बल पर अंदर जाना होगा। और एक बात फ्रेंड्स, जहाँ पर भगवान शिव जी विराजमान है वहाँ पर भी खुद पुजारी जी बैठ के पूजा नहीं कर सकते, भगवान शिव जी को फूल और धूप अर्पण करने के लिए खुद पुजारी जी को लपेट के अर्पण करना पड़ता है, इतना छोटा सा गुफा है। ओम नमः शिवाय, ओम नायम समर्थ समर्थस्तु श्रीमान महागणपति नंबानी हिरण्यकर्ण लक्ष्मीनारायण महामहेश्वरन हंसकी परमराधनम बल। कहा जाता है कि फ्रेंड्स यहां पर श्रावण के चारों सोमवार और शिवरात्रि पर काफी भीड़ भाड़ रहता है, ये जगह बहुत लोग बहुत दूर दूरांतर से आते हैं यहां पर भगवान शिव जी को दर्शन करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप पिकनिक मनाने की इरादा से आ रहे हैं तो पहाड़ के ऊपर ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप नीचे खाना पका सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नीचे एक आश्रम है, क्योंकि ये एक शैवपीठ है तो नॉनवेज की यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। फ्रेंड्स ये एक ओडिशा टूरिज्म का टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर आप बड़े आसानी से आ सकते हैं। ये फ्रेंड्स रायगढ़ का जिला मुख्यालय रायगढ़ से 45 किलोमीटर पर स्थित है। यहाँ पर आप दोनों बस और ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ के नियरेस्ट बस स्टैंड केसिंगपुर यानी कल्याण सिंहपुर है, जो रायगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है और केसिंगपुर से यहाँ तक 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रेंड रायगढ़ है और रायगढ़ से आपको फोर व्हीलर बड़े आसानी से रेंट पर मिल जाएगा यहाँ तक आने के लिए। फ्रेंड्स जब मैं पुजारी जी से पूछा तो पता चला कि वो सुबह एक टाइम आते हैं ऊपर भगवान जी को पूजा करने के लिए और शाम को नहीं आते हैं, और जब सुबह यहाँ पर आते हैं तो करीब दिन का 10-12 बजे तक यहाँ पर रुकते हैं और 10-12 बजे के बाद यहाँ से चले जाते हैं और शाम को नहीं आते हैं, दिन को एक ही बार आते हैं भगवान जी को पूजा करने के लिए। तो आपको गुफा के अंदर बाबा को दर्शन करने के लिए दिन का 11 बजे तक ऊपर आना होगा। अगर आप देर से आते हो तो हो सकता है कि आप गुफा के अंदर बाबा को दर्शन कर नहीं पाओगे, क्योंकि पुजारी जी तकरीबन 11 बजे या 12 बजे गुफा को लॉक करके नीचे चले जाते हैं। और एक बात यह है कि फ्रेंड्स जब मैं पुजारी जी से पूछा कि बाबा जी यहाँ पर सीढ़ियाँ कितना है, तो वो बोले 530 सीढ़ियाँ हैं,
तो हम नीचे आते वक्त और गिनती नहीं किए, आसानी से हमको सीढ़ियाँ की संख्या जो है पता चल गया तो हम गिनती नहीं किए। लेकिन जब मैं घर आया तो गूगल पर सर्च किया तो 476 दिखा रहा है, जो कि आप भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये कहना मुश्किल होगा कि सटीक कितना सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि हम भी गिनती नहीं किए और बाबा जी बोल रहे 530 यानी 530 सीढ़ियाँ, और गूगल पर मैं देखा तो 476 सीढ़ियाँ। तो फ्रेंड्स जब भी आप जाते हो तो कन्फर्म होने के लिए अगर आप जाते हो तो गिनती कर लेना। और अगर हम पुजारी जी की बात को लेकर चले तो 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, 500 से 550 के बीच जो बोल रहे थे 530 530 सीढ़ियाँ। तो फ्रेंड्स अगर आप गिनती करके आपको सटीक पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कितना सीढ़ियाँ हैं। और ये था फ्रेंड्स रायगढ़ जिला का एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट देवगिरी, जो कि काफ़ी फेमस है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और हमारे चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ओडिशा का अनएक्सप्लोर लोकेशन का वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ।